इस वीडियो का जो टॉपिक है ना वो है द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन, अ डेडली एयर पोल्यूशन इवेंट। जो है ना लंदन द बस्टलिंग मेट्रोपोलिस नाउन होता है अपनी रिच हिस्ट्री और आइकॉनिक लैंडमार्क्स की वजह से, लेकिन जो सिटी के वाइब्रेंट स्केट्स है ना वो लाइक करते हैं डार्क चैप्टर में उनके पास में। जो ग्रेट स्मोक है ना लंदन की इन दिसंबर 1952 एक अनप्रीसेंडेटेड एयर पोल्यूशन इवेंट ना ने सिटी को ग्रैब किया था, जिसने डिवेस्टेटिंग डिस्ट्रक्शन और डेथ कॉज की थी। जो ग्रेट स्मोक है ना वो कॉज हुई थी लीथल कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से, कूल्ड वेदर कंडीशन की वजह से जो कि ट्रैप करते थे एक डेंस लेयर फोग की ग्राउंड के क्लोज, जबकि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है ना फैक्ट्रीज और कूल बर्निंग पावर प्लांट से वो रिलीज करती थी कॉपियस अमाउंट ऑफ टॉक्सिक स्मोक इनटू द एयर। जैसे जैसे दिन गुजरते गए जो स्मोक है वो इंटेंसीफाई होती गई, सिटी को इनगल्फ करती गई एक थिक नोशियस ब्लैंकेट में। विजिबिलिटी ड्रॉप टू अ फ्यू फिट और रेजिडेंट फाउंड देमसेल्फ डिसओरिएंटेड एंड गैस्पिंग फॉर एयर, बट लिटल डिड दे नो दैट द ट्रू डेंजर लाए हाइडन इन टॉक्सिक मटीरियल दे वर ब्रीथिंग इन। जो ग्रेट स्मोक थी ना एक डेडली कम्बिनेशन था स्मोक सल्फर डाइऑक्साइड और अदर पोल्यूटेंट्स का। ये जो थे ना पोल्यूटेंट्स पेनिट्रेट हो गए थे लंग्स में, काज कर रहे थे रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और एग्जैसरीबेटिंग एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन को। जो हेल्थ इफेक्ट थे ना वो कैटास्ट्रोफिक थे। इन द स्पैन ऑफ जस्ट फ्यू डे जो थे ना 4000 पीपल उन्होंने अपनी ज़िंदगी गवा दी थी और 1000 बीमार हो गए थे ग्रेट स्मोक की वजह से, हॉस्पिटल भर चुके थे और जो सिटी थी ना वो अपनी मोर्गियस मतलब कैपेसिटी को रीच कर गई थी। जो पब्लिक आउटक्राई डिमांडेड एक्शन और ग्रेट स्मोक वो है ना एक कैटालिस्ट था चेंज के लिए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था कि द क्लीन एयर एक्ट 1956 में जो इंट्रोड्यूस कर रहा था स्ट्रिंगनेट रेगुलेशंस टू कम्बैट एयर पोल्यूशन। जो क्लीन एयर एक्ट एक्ट था ना वो लीड कर रहा था फेसिंग आउट ऑफ कोल एज प्राइमरी फ्यूल सोर्स के तौर पर और इंकरेज कर रहा था कि क्लीनर टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाए। ओवर द टाइम जो लंदन की एयर क्वालिटी थी वो इम्प्रूव होती गई और जो थी ना सिटी उसने अपनी जर्नी को बिगन किया एक क्लीनर और हेल्थियर फ्यूचर की तरफ। टुडे जो ग्रेट स्मोक है ना लंदन की वो एक स्टार्क रिमाइंडर है डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज जो अनचेक्ड एयर पोल्यूशन है उनका। ये सर्व करता है एज अ टेस्टमेंट टू पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ गार्डिंग अवर इन्वायरमेंट। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ बुक्स की बात की जाए, नंबर वन पर है द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन अ मेमोयर बाय क्रिस्टीनी कॉटन। नंबर टू पर है किलर स्मोक द वर्ल्ड्स वर्स्ट एयर पोल्यूशन डिजास्टर बाय ब्रूस मैक एलिस्टर। नंबर थ्री पर है लंदन फॉग द बायोग्राफी बाय क्रिस्टाइन एल कॉटन। नंबर फोर पर है द डेडली स्मोक ऑफ लंदन 1952 पोल्यूशन डिजास्टर बाय मार्टिन डब्ल्यू बोमैन। नंबर फाइव पर है द ग्रेट स्मोक ऑफ 52 बाय डेरिक जे रिपली।